सो हेलो गाइज, जैसे सो रहा इंडिया द साइबर वाई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक हैकर कैसे इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करता है। ठीक है, एक हैकर इंस्टाग्राम अकाउंट को किस तरह से हैक करता है। ठीक है, 2021 में बहुत से लोगों को ये देखा गया है कि इंस्टाग्राम की चैनल्स हैक हो रहे हैं, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, और उनका हैक करने का सिंपल सा एक ही मेथड है। ठीक है, अभी तो फिलहाल एक ही मेथड चल रही है, और किस तरह से हैकर्स आपके इंस्टाग्राम को हैक करते हैं और आप कैसे इससे बचोगे। ठीक है, सभी लोगों को यह जानना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, 2021 में जनवरी में ये काफ़ी देखा जा रहा है कि इस तरह से, तो मेरे पे भी इस तरह के अटैक्स हो चुके हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम के हैकर्स ने मेरे को भी, मेरे इंस्टाग्राम पे भी अटैक किया ताकि मैं हैक हो जाऊं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से उस हैकिंग अटैम्प से कैसे मैं बचा हूं। ठीक है, मैं वो सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला, वीडियो काफ़ी ही एकदम टेकी होने वाला है। ठीक है, आपको कुछ नया ही जानने को मिलेगा इस चैनल से। ठीक है, आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट द वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, एक से दो दिन पहले की बात है। ठीक है, मेरे को इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के मैसेज है। सबसे पहले मैं अपना इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ। ठीक है, ओके, ये दूसरा अकाउंट है, देन ओके, तो ये मेरा इंस्टाग्राम है। ठीक है, इस इंस्टाग्राम पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के, देखो रिक्वेस्टेड में है वो अभी भी मेरे पास मैसेज। ठीक है, ये आप देखो, ठीक है, फ्राइडे को ये मैसेज आया है। ठीक है, ओके, फ्राइडे को मैसेज आया तकरीबन 4 से 5 डेज पहले। ठीक है, ये मैसेज क्या है, देखो सबसे पहले इस मैसेज को गौर से देखो, कॉपीराइटेड इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम सपोर्ट अकाउंट आईडी ये। ठीक है, ही यूजर्स वी हैव रिसीव्ड कंप्लेंट दैट यू वायलेटेड इंस्टाग्राम कॉपीराइट एंड आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस, आवर टीम रिव्यूड एंड अप्रूव्ड द कंप्लेंट। ठीक है, सो गाइज, यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि मैंने क्या है कि YouTube के कुछ कॉपीराइटेड रूल्स थे उसको मैंने तोड़ा है। ठीक है, और उनकी टीम क्या है कि मेरे को अप्रूव करेगी, इस कंप्लेंट को देखी। ठीक है, वो इस चीज़ों को देखी है और इसे अप्रूव की है, इस कंप्लेंट को। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल फ्लोवर्स एंड लाइक्स पब्लिकेशन प्रोटेक्ट बाय कॉपीराइटेड काउंटरफाइट प्रोडक्ट सेल्स नीडिटी सेक्सुअल कंटेंट। कहने का अर्थ है कि मतलब कि इस टाइप की बहुत सारी रूल्स है जो कि मैंने क्या किया है कि इसमें से कोई रूल्स को मैंने तोड़ा है। ठीक है, और इंस्टाग्राम के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, और यहाँ पर लिखा हुआ साफ सुथरा, आप देख सकते हो कि योर अकाउंट विल बी परमानेंट डिलीटेड विद इन द 24 आवर। मतलब 24 आवर के अंदर मेरा अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये मिस्टेक है तो आप नीचे लिखे हुए लिंक पर से क्या है कि आप फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, और इसके साथ ये भी लिखा, प्लीज डू नॉट मेक एनी चेंजेस योर अकाउंट इंक्लूडिंग ईमेल एंड पासवर्ड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म। कहने का था ये कि आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड को भी चेंज ना करें। जो आपकी ईमेल आईडी है और पासवर्ड है वो आपको मतलब कि इस लिंक पर क्लिक करके आपको देना है। इस तरह की ये मेरे को क्या, बहुत लोगों को इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। अब लोग क्या है कि ये चीज़ पढ़ते हैं और पढ़ के तुरंत बोलते हैं कि यार क्या हो गया 24। यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ा यहाँ पर जो मैसेज है, एक पैराग्राफ है, योर अकाउंट विल बी परमानेंट डिलीटेड विद इन द 24 आवर। ठीक है, मेरे भी इंस्टाग्राम अकाउंट है। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट में अब मेरे हैं जैसे कि 1600 फॉलोवर। ठीक है, अब 1600 फॉलोवर, लेकिन बहुत लोगों की क्या है कि 15,000, 16,000, 20,000, 30,000, 1 मिलियंस, बहुत सारे बड़े बड़े फॉलोवर्स होते हैं। ठीक है, वो लोग क्या होते हैं कि इस तरह के अकाउंट, इस तरह के मैसेजेस देख के क्या होते हैं कि वो लोग डर जाते हैं, तुरंत क्या करते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करते हैं। ठीक है, चलो मैं भी क्लिक कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर देखो क्या आ रहा है कि प्रॉब्लम विद दिस लिंक। ठीक है, यू रिडायरेक्ट टू मे बी द मलेशियस एंड द फॉलोइंग द सीक्रेट यू ट्रस्ट ऑन। ठीक है, हालांकि मैंने इस लिंक को क्या किया था, रिपोर्ट कर दिया था, लेकिन मैं आपको जस्ट अ जनरल पर्पस में आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के मैसेजेस काफ़ी सारे अकाउंट्स में दिए जा रहे हैं। तो इसको देखो, ये मैसेज करे या मतलब कि कोई और तरह से आपके पास मैसेज है, सबसे पहले तो इस चीज़ को आप देख के कभी डरो नहीं। थी कि 24 आवर जो लिखा हुआ है, ठीक है, दुनिया का कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उनके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जो यूजर्स हैं, उनके अकाउंट्स मतलब कि यूं ही डिलीट कर दिए जाए। ठीक है, आपको एक मौका जरूर देती है वो कंपनी, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आप दिमाग लगाओ कि ये जो मतलब कि मैसेज है वो किस अकाउंट से आया। ठीक है, मेरे को इस अकाउंट से आया, ठीक है, IB बिजनेस कॉपीराइटेड। ठीक है, कॉपीराइट, अब इनकी देखो सबसे पहली बात कि अगर ये इंस्टाग्राम की अकाउंट होती, इंस्टाग्राम खुद कंपनी की एक अकाउंट होती, तो इसके पास ब्लू टिक होता,
यहाँ पर वेरीफाइड अकाउंट होता है, ठीक है। चलो मैं वेरीफाई अकाउंट में आपको दिखाता हूँ किस तरह से वेरीफाई करता। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे सर्च पे जाता हूँ, ठीक है, वेरीफाई अकाउंट में आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे डिजिटल प्रतीक जी के, देखो यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट का मतलब होता है कि ब्लू टिक यहाँ पर लगा होता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर इनकी अकाउंट, अगर इंस्टाग्राम खुद, मतलब इंस्टाग्राम खुद अगर आपको मैसेज करती तो यहाँ पर क्या होता, वेरीफाई अकाउंट होता। और ये जो फॉलोअर्स है और फॉलोइंग है, आप देख सके, आप समझ सकते हो कि ये क्या है, जीरो पोस्ट है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये अकाउंट जो है, ये जो चीज़ है, ये जो मतलब कि जो लोग ये चला रहे हैं वो इंस्टाग्राम वाले तो है नहीं, सबसे पहली बात, ठीक है, इंस्टाग्राम वाले तो है नहीं। चलो दूसरी बात मैं बताता हूँ, ठीक है, ये तो बात हो गई, ठीक हो। जिस तरह से ये मैसेज भेजते हैं जैसे लगता है कि ऑफिशियल मैसेज आपके पास है, लेकिन ऑफिशियल मैसेज है नहीं। यहाँ पर आप जो लिंक देख रहे हो, यहाँ पर लिंक आप देख सकते हो कि यहाँ पर आना चाहिए तो instagram.com सपोर्ट हेल्प इस तरह की चीज़ आती है, लेकिन ये क्या आ रही है कि मीडिया हेल्प इस टीम। चलो ठीक है, इसको क्या करता हूँ मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं गूगल क्रोम में जाता हूँ, ओके। क्रोम में जाने के बाद क्या करता हूँ, चलो ये तो लिंक कॉपी नहीं हुआ, ओके, यहाँ से लिंक को ओपन करता हूँ, ओपन इन गूगल क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम, ठीक है। चलो ये जो नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, सिर्फ इसको छोड़ो, इसको ओपन करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, हु मेक्स द फ्लैग, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हो। अब मेरे को ये बताओ, देखो अब सिंपल सी बात है, ये वेबसाइट की लिंक उन्होंने भेजी है, ठीक है। इस पर क्या करना है कि आपको, इस पर क्या है कि आप इसे खोलोगे तो यहाँ पर आपको आता है, उस समय जब लिंक अगर वर्किंग करते रहती तो उस समय क्या आता है, हालांकि मैंने रिपोर्ट कर दी है इसलिए ये बंद हो चुकी है, लेकिन ये लिंक पर क्या आएगा कि आपको सबसे पहले तो अपना नाम देना है, जो आपके मतलब कि प्रोफाइल के जो नेम है, ठीक है, आपके जो प्रोफाइल का जो नाम है वो आपको नाम यहाँ पर सबसे पहले तो देना पड़ेगा, ठीक है। देन यूजर नेम देना पड़ेगा और पासवर्ड देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप दिमाग लगाओ कि .ml जो होता है, वो जो डोमेन है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे वेबसाइट पर आपको मिल जाता है, ठीक है, ये डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंस्टाग्राम कोई भी इस तरह से फर्जी आपको ईमेल नहीं देती, लिंक नहीं देती, जिस पर आप क्लिक करके, अगर देखो तुम ही सोचो कि उसको, उनको अगर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा तो वो आपकी, उनके पास आपकी ईमेल आईडी, वो डायरेक्ट मेल करेगी, ठीक है। जिस तरह YouTube आपको कांटेक्ट करती है मेल करके करती है, Facebook आपको कांटेक्ट करती है मेल करके करती है, Instagram कभी भी चैट में आपको इस तरह की लिंक नहीं प्रोवाइड करती कि आप उस पर क्लिक करो और आप अपने फीडबैक वगैरह दो, ठीक है। सबसे पहले ये देख लो कि .com होना चाहिए, .in होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ अदर ही, मतलब कि थर्ड पार्टी यहाँ पर लिंक दिया गया है जिस पर लिखा गया .ml। तो सबसे पहले तो ये फर्जी वेबसाइट है, ठीक है। हम, मैंने तो यहाँ खोल दिया, लेकिन आप इस सब सारे मतलब के लिंक पर आप कभी भी क्लिक भी मत करना, ठीक है। सबसे पहले चीज़ों को समझो, दो चीज़ हो गया कि इसके अकाउंट फर्जी हो गई, इसके लिंक फर्जी हो गए, है ना, इस तरह की चीज़ हो गई, बाकी जो लिखा हुआ ऐसा कुछ नहीं होगा। देख लो मेरे को 5 डेज हो गए और मेरे अकाउंट थोड़े बैन हुई है, मेरे अकाउंट तो अभी भी खुल रही है। तो इस तरह की चीज़ें पर आप कभी बिलीव ना करें, ठीक है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड को भी इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी बहुत चला, 2021 में इंस्टाग्राम हैक हो रहे हैं, तो इसी कारण हैक हो रहे हैं, और इस प्रोसेस का नाम है फिशिंग साइट है ये, ठीक है। एक तरह का फिशिंग है कि आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपसे उगलाने का सबसे बढ़िया रीज़न है, ठीक है। देखो हम लोग ही गलती करते तभी जाके कोई इंस्टाग्राम हैक होती है, ऐसे इंस्टाग्राम नहीं हैक हो जाती, अपने आप डायरेक्ट कोई हैक नहीं कर सकता हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब, ये सब डायरेक्ट हैक कभी नहीं होते किसी बड़े से बड़े लोगों की। ये हैक होती है तो हमारी ही गलतियों की वजह से होती है, कोई लिंक पर क्लिक कर देते हैं, आईडी पासवर्ड दे देते हैं, या कुछ ना कुछ तो हम लोग ऐसा कर देते हैं, कुछ एप्लीकेशन थर्ड पार्टी इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आप ईमेल आईडी पासवर्ड आप देते रहते हो तो वो क्या होता है कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेती है। तो इस तरह की कंडीशंस के कारण ही हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होती है। हालांकि हमारे इंस्टाग्राम को हैक करना इतना आसान नहीं है, तो मैंने क्या किया था, इसको रिपोर्ट कर दिया था। हालांकि मैंने इसको, मैंने क्या किया था, इस पर रिपोर्ट, आप ऐसा कोई भी चीज़ आए तो सबसे पहले तो आप इस पर रिपोर्ट कर दें, एकदम रिपोर्ट चैट, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो स्कैम एंड फ्रॉड, आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप ब्लॉक भी, आप ब्लॉक जरूर कर दें कि इससे आप दोबारा मैसेज ना आए। तो इस तरह की कंडीशंस अगर हो तो आप इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। ये करने से क्या होगा कि आप एक सिक्योर हो, ठीक है। कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो दिमाग से सोचा करो, ठीक है, दिमाग से सोचोगे तो पता चलेगा सब चीज़ सही है, ठीक है। हड़बड़ में गड़बड़ होती है।
ठीक है, तो हड़बड़ाए ना इस कंडीशन में, और कोई भी तरह के कंडीशन हो तो आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी भी तरह का डाउट, इस तरह के कोई भी अटैम्प्ट हो तो इस तरह से आप बच सकते हो इंडिया में, खास करके लोगों की प्राइवेसी को लेकर कुछ चिंता नहीं है, ठीक है। वो लोग आराम से कुछ भी मतलब कि क्लिक कर देते हैं, बोलते हैं कि यार क्या होगा, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, तो इस तरह के कंडीशंस नहीं है। तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, आप यहाँ पर भी आपको कोई भी तरह का डाउट हो, मतलब कि कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करके आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। मैं सभी के मैसेज का रिप्लाई जरूर देता हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो। इस पर बहुत सारे मैं पोस्ट ऐसा डालता हूँ जो कि आपको नॉलेजेबल हो, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देगी। डेली अपडेट में रहता हूँ और डेली अपडेट आप लोगों को करता रहता हूँ इंस्टाग्राम के अकाउंट से, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आप देखते हो @digitalsaurabh से। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि इंस्टाग्राम अकाउंट किस तरह से हैक होती है, ठीक है, किस तरह से हैकर्स आपके ऊपर अटैक करते हैं इंस्टाग्राम के। कोई भी दुनिया का कोई भी हैकर आपको डायरेक्ट हैक नहीं कर सकता है, आप ही की कोई ना कोई गलती होती है जिसके कारण वो हैकर्स आपके मोबाइल की एक्सेस ले लेती है और आपके इंस्टाग्राम जैसे बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट आपके हैक हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, और आई होप आप ऐसे अटैम्प्ट से आप बच के रहोगे। तो मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह एक ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।